स्टार्ट करते हैं आप इसको राइट <coughs> right. तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि एम ए और एम एस सी कहाँ पर आप यूज़ कर रहे होते हो सो एम ए और एमएससी आप पर्टिकुलरली किसी एक साइड पर यूज़ नहीं कर रहे होते आई वुड प्रेफर कि आप दोनों यूज़ करो बिकॉज दोनों से आपको आइडिया मिल जाएगा लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि एम ए ही आपको क्या कर रहा होता है एम ए ही आपको एबसल्यूट्स का बता रहा होता है और जो एम एस सी है वो आपको स्केयर में बता रहा होता है इन द एंड ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यूज़ सेम आ रही होती हैं बट हाँ अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट वाला फॉरवर्ड रूट यूज़ करते हो ना ग्रेडियंट डिसेंट वाला जो कि हम फ्यूचर में करेंगे तो जब ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हो वहाँ पे आप आई वुड प्रेफ़र कि आप आर एम एस यूज़ करो uh, उसकी रीज़न यही है कि आर एम एस के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री uh, के फंक्शन जो होते हैं ना उसमें डिफ्रेंसीेशन के फंक्शन वो यूज़ कर सकते हो वो यूज़ क्यों करने होते हैं मैं आज आपको उसका रीज़न बताऊँगा उसका रीज़न ये है कि उस फार्मूला को बनाते वक्त ना आपको इन्वर्स लेना पड़ता है इन्वर्स किस ल, वर्ड का लेना पड़ता है सो so, इनवर्स जब आप लेते हो ना ग्रेडिएंट डिसेंट का तो उसके अंदर बेसिकली आ, उसका मेरा ख़्याल से फार्मूला होता है इस तरह एक्स टी और इधर आपके पास ये टी नहीं बना ये क्या बन गया सो so, एक्स टी इधर आपके पास दोबारा एक्स होता है एंड उसका हमने इनवर्स लेना होता है तो जो ये इन्वर्स लेना होता है ना अगर हम इसको ओ एल एस दो तरीके होते हैं हमारे पास एक होता है ओ एल एस दूसरा होता है ग्रेडियंट डिसेंट का तो जो ग्रेडियंट डिसेंट वाला पार्ट है वो तो हम अभी कर नहीं रहे हमने जो लास्ट में भी किया था सिंपल लीनर रिग्रेशन वो भी हमने ओ एल एस के थ्रू किया था ऑर्नर ली स्क्वेयर के थ्रू जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम ओ एल एस अगर आप जाओगे ना तो उसके अंदर आपको हमने बताया था कि दो सोल्यूशन होते हैं क्लोज एंड सोल्यूशंस और नॉन क्लोज एंड सोल्यूशन ठीक है तो हम उस प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं अभी डिसेंट के थ्रू नहीं चल रहे तो ओ एल एस के एक खामी एक ये है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता ठीक है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता सो so, डिफ्रेंशिएट जब वो नहीं कर पाता तो ये इनवर्स जब हमने लेना होता है तो ये आपका डिफ्रेंसीेशन या इंटीग्रेशन जो आप करते हैं उस उस पार्ट के अंदर आता है ठीक है तो अगर ओ एल एस कर सकता है डिफ्रेंसीशन लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना एक चीज़ एक मिनट स्क्रीन नहीं शो हो रही यार मैंने की थी शो ओके ओके सो ये फार्मूला बेसिकली आपका होता है ठीक है तो इसमें आपके पास इन्वर्स आ रहा होता है तो जब आप इन्वर्स आता है ना आपके पास तो उस इन्वर्स को टैकल करने के लिए आपको आ, जाना पड़ता है फिर डि इनग्रेडिएंट डिस में क्योंकि अगर आप इसको ओ के थ्रू ही करो तो ये आपको कॉम्पिटिशनली बहुत महंगा पड़ेगा वो महंगा इसलिए पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे आ, वो लिखूँ ना टाइम फॉर इनवर्स सो ये सक, ये देखो ये आ गया कॉम्प्लेक्सिटी क्लास ऑफ मैट्रिक्स इन वर्यन ठीक है सो so, ये ओ एन थ्री आ रहा है मेरे पास इधर देखना ज़रा सो so, ठीक है सो so, ये देखो ये एन थ्री आ रहा है नज़र आ गया अब सो दिस इज़ सो ये देखो अगर मैं इसको ओ एल एस के थ्रू ही ले कर चलूँ तो मुझे इधर जो वैल्यू मिल रही है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वो मिल रही है ओ एन थ्री तो जिन्होंने भी डी एस ए वर्ल्ड लिया उनको एक चीज़ क्लियर होगी कि ये अगर हम उसके इनोटेशन के हिसाब से चलें तो वो क्यूब में चीज़ जा रही है जो कि ज़्यादा टाइम लेगा ठीक है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बहुत ज़्यादा टाइम लेगा तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर हमें चाहिए होगी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर हमें चाहिए होगी तो हमें ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि हमें कॉस्ट वाइज़ महंगे पड़ेंगे इस वजह से फिर हम चलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ तो ग्रेडियंट डिसेंट जब हम यूज़ करते हैं तो डिफ्रेंसीशन करके तो वो चीज़ हमारी बहुत हद तक कम हो जाती है तो इस तरह से ग्रेडियंट डिसेंट आप यूज़ कर रहे होते हो बड़े डेटा सेट्स में जहाँ पे आपके पास एक डायमेंशन का डेटा नहीं होता मल्टीपल डायमेंशन का डेटा होता है ठीक है तो ये चीज़ हो गई खैर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आ, आज का जो टॉपिक था बेल मे से ली बाकी जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे आज मैं उनको पब्लिक भी कर दूँगा पहले वो अनलिस्टेड थे तो पब्लिक में कर दूँगा तो आप आराम से चैनल पर जाके देख सकते हो ठीक है हमने रिग्रेशन पढ़ा ये साथ साथ आप नोट करते जाना मैं बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे लिखूँगा नहीं हमने ली नरगेशन पढ़ा दो हमारे पास पार्ट्स थे कि दो तरीके होते हैं एक होता है आपके पास ओ का ठीक है ओ एंड द सेकेंड वन इज़ ग्रेडियन डिसेंट हमने चीज़ पढ़ी उसके थ्रू के ग्रेडियन डिसेंट के थ्रू हमने भी नहीं किया बाकी ओ के थ्रू हम उस चीज़ को करते आए खैर फिर उससे पहले बाद हमने किया ओ एल की हम बात करते हैं तो उससे पहले पहले हमने किया फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन सो तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हमने जब किया तो हमें एक चीज़ पता चली कि उसके अंदर एक वेरिएबल होता है एक वेरिएबल होता है और वो वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट जो आपके पास कॉलम होता है वो एक कॉलम होता है और उसको ए, उसकी बेस पर आपके पास एक टारगेट कॉलम होता है लेकिन अगर हम बात करें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं बताऊं आपको तो मल्टीपल इनिग्रेशन इज़ नथिंग एल्स बट जहां पे आपके पास वहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिया कॉलम्स आ जाएँ इंडिपेंडेंट कॉलम्स आ जाएँ एक हो दो हो तीन हो चार हो दस हो हज़ार हों जितने भी हों वो आपका मल्टीपल लीन रिग्रेशन में काउंट होगा सो so सिंपल के अंदर एक कॉलम था मल्टीपल के अंदर आपके पास मल्टीपल कॉलम थे जैसे एग्जांपल थी हमारी सी जी पी ए सो हमने लास्ट वाले के अंदर कर रहे थे ठीक है सी जी पी ए कर रहे थे सी ऑन द बेसिस ऑफ सी जी वी वर प्रडिक्ट सैलरी ठीक है सो so हम ये काउंट कर रहे थे लेकिन अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये तो एक कॉलम था ना एक इनपुट कॉलम था अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक इनपुट कॉलम नहीं है मेरे पास एक और इनपुट कॉलम है आई क्यू मेरे पास एक और इनपुट कॉलम है लेट्स से ट्वेल्थ के मार्क्स तो अब ये इनपुट कॉलम बढ़ते जा रहे हैं ना तो so, जैसे ही दूसरा कॉलम इसमें ऐड हुआ नाउ दिस इज मल्टीपल लीन रिग्रेशन सो ये मल्टीपल लीनर रिग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है ठीक uh... है ओके okay. क्वेश्चन है किसी का ओके okay. सो so, अब ये ना ये मल्टीपल नीरेग्रेशन में काउंट हो चुका है तो इस तरह बेसिकली आप इसको आगे लेके चलते हो सो मल्टीपल नीरेग्रेशन की आपको एक चीज़ समझ आ गई है अब हम क्या करते हैं अब मल्टीपल निरीग्रेशन के अंदर आपके पास बेसिकली क्या हो रहा होता था अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा जिन्होंने नहीं आइडिया लिया कि हमारे पास एक, एक ही लेट्स है हमारे पास एक कॉलम है इधर आगे नहीं बना देते हैं हमारे पास एक कॉलम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जो एक्स वेरिएबल है हमारा इनपुट है वाई पे हमारे पास आउटपुट पड़ी है <coughs> तो इनपुट के अंदर हमारे पास लेट से है एक्सपीरियंस इन ईयर्स ठीक है सो so, ये एक्सपीरियंस हमारे पास X पे है और वाई पे हमारे पास पड़ा हुआ है उसकी सैलरी कि जितना ही साल का एक्सपीरियंस होगा बंदे का उतनी उसकी सैलरी होगी ठीक है तो ये मेरे पास सैलरी पड़ी है इधर मैं लेट से कह देता हूँ टेन और इधर मैं सैलरी कर देता हूँ लेट से ढाई लाख ठीक है इस तरह ही जब मैं इसको कम करता जाऊंगा मैं इधर कर देता हूं थ्री इधर सैलरी आ गई सेवेंटी uh, थाउजेंड ठीक है इधर लेट से मैं कर देता हूं वन सैलरी आ गई फिफ्टी थाउजेंड तो इस तरह आप इसका डेटा सेट मैं लेट से एक बना रहा हूं ये डेटा सेट है मेरा एक एक्सपीरियंस और सैलरी इस लेवल तक ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैसे बनता है मैंने लेट से ये डेटा पॉइंट्स लगा दिए हैं ठीक है ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कम्प्लीटली लीनियर नहीं होंगे लेकिन लीनियर की तरह का ही डेटा पॉइंट हो गए मेरे तो मैं एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन इसके अंदर से ड्रा करूँगा जो इन सब पॉइंट्स के एट सबसे कम डिस्टेंस पे हो एक ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन तो लेट्स से मैं ये ऐसी कोई इधर ये लाइन ना सही सही नहीं बनी इधर से ऐसे करके मैं कोई लाइन लगा देता हूँ लेट्स से भी ये मैंने एग्जांपल के तौर तो पे ये लाइन लगाई है कि ये हर एक पॉइंट के सबसे नज़दीक है ठीक है तो ये जो चीज़ हुई है ना ये मेरी लाइन जो बनी है इस इस लाइन को हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन बट अब हुआ क्या था कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस था ये हमारे पास वाई एक्सिस था दो ही डायमेंशन थी ना दो ही डेटा थे बस लेट से मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ और इसकी हमारे पास इक्वेशन होती थी वाई इज इक्वल टू यानी इसमें मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ सो so, इसमें मेरे पास इक्वेशन होती थी वाई इज इक्वल टू एम एम एक्स प्लस बी तो एक्स हमारे पास इनपुट था ये जो एक्सपीरियंस है वाई हमारे पास आउटपुट जो आ रही है ये है और एम जो था हमारे पास एम और बी सो बी बेसिकली हमारा जो था वो वाई इंटरसेप्ट था और एम जो था हमारा वो आप हमारी स्लोप को डिफाइन कर रहा होता था इस स्लोप को जो ये इस इसका एंगल बन रहा है ये वाला जो एंगल बन रहा होता है ना ये कितना स्लोप बन रही है तो इधर से हम इस स्लोप के अकॉर्डिंग जाएंगे बी इंटरसेप्ट हमें बताएगा इससे कितना दूर है तो इधर से हम ऐसे प्रडिक्टन करते हैं और इधर हमारा पॉइंट आ जाता है जो भी हमारी प्रडिक्शन का पॉइंट होता है सो बेसिकली ये इस तरह काम कर रहा होता है तो एम एक्स प्लस बी ठीक है अब एम क्या है बेसिकली एम पता बता रहा होता है कि इसका कितना इस पर वेटेज क्या है कि कितनी परसेंट वेटेज होगी हो जो भी एम की वैल्यू होगी उतनी वेटेज होगी हो इनपुट के ऊपर एक्स जो भी है तो ये हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन था हम अब आ जाते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे तो सिंपल के अंदर तो हमने एक चीज़ देख ली कि सिंपल कॉलम होगा तो हम वो चीज़ में आएंगे लेकिन लेट्स से मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपके पास कॉलम जो था वो एक्सपीरियंस वाला था एक सो so, एक्सपीरियंस वाला कॉलम था एक ठीक है तो एक एक्सपीरियंस वाला कॉलम हो गया देन लेट्स से इंडस्ट्री ठीक है किस इंडस्ट्री में बंदा काम कर रहा है सो so वो चीज़ कॉल काउंट हो सकती है और एंड देन एजुकेशन का काउंट हो सकता है कहाँ से एजुकेशन की उसके बाद चलो ये तीन कॉलम आ गए, देन हम कहते हैं सैलरी तो कहाँ से एजुकेशन की कहाँ सैलरी की इस बेस पे हम आपको सैलरी दे रहे हैं हाँ बस सिटी भी ऐड कर सकते हो सिटी किस सिटी में काम कर रहा है किस कंट्री में काम कर रहा है सो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं ना तो अब इसकी बेस पे पता कैसा होगा कॉलम हमारे पास कैसा डेटा सेट बन रहा होगा अब हमारे पास लेट से मैं अभी इसमें ये एजुकेशन वाला पार्ट नहीं रहता मैं ये दो कॉलम रखता हूँ एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री का तो अब हमारे पास जो बनेगा ना वो हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई नहीं बनेगा हमारे पास एक जी भी बनेगा ठीक है एक थर्ड डायमेंशन भी बनेगी और थर्ड डायमेंशन के अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे पास जो डेटा होगा ना वो हमारे पास ऐसे डेटा फॉल कर रहा होगा ये डेटा पॉइंट्स हैं लेट से सो ये डेटा पॉइंट्स हैं ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं तो अब स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं, नहीं सकती अब लाइन नहीं बनेगी अब प्लेन बनेगा एक हाइपर प्लेन बनेगा जब ये डायमेंशन बढ़ती जाएंगी चार पाँच दस तब वहाँ पर हाइपर प्लेन एक बनेगा वहाँ पर एक लाइन नहीं बनेगी जैसे लेट से मैं इधर एक लाइन बनाई ना मैंने ठीक है इधर भी मैंने एक लाइन बना दी तो जो ये अब ऐसे इधर बनेगी ये चीज़ बनेगी सो so, हम मल्टीपल इनग्रेशन में इस चीज़ को फ़ाइंड करते हैं इसके अंदर जो ये प्लेन बनाना ये वाला हम इसको फाइंड करते हैं इसमें हम लाइन को फ़ाइंड नहीं करते तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना सो so, इसका फार्मूला बेसिकली क्या होता है इसका फार्मूला आपके पास होता है ओके सो okay, so, इसका फार्मूला था इधर मैंने बुक से देख लेता हूँ सो so, मुझे याद नहीं था इसका फार्मूला हाँ सो बुक के अंदर अब आप आओगे ना तो आपको नज़र आ रहा होगा आ, वाई आई नॉट ठीक है आ, वाई आई अभी मैं वाई आई को नहीं करता मैं सो अभी इसको इस तरह रहने देता हूँ लेट से वाई बीटा नॉट अब बीटा नॉट यहाँ पे क्या है सो मैं पहले लिख लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ बीटा नॉट क्या है यार बड़े गंदा लिखा गया है, आ, ओके सो so, बीटा नॉट, ठीक है उसके बाद आपके पास प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू ओहो एक्स टू सो ये आपके पास फार्मूला है इसका ये वाई है ये वाई है दिस दिस इज़ वाई तो ठीक है वाई इज इक्वल टू बीटा वन आ, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू सो दिस इज़ योर फार्मूला अब इसमें ना एक चीज़ क्या है इसमें चीज़ ये है कि जो इसके अंदर वाई था ना जो आपके पास ये बीटा नॉट है मैं पहले आपको बताता हूँ इनके अंदर टर्म्स क्या क्या, क्या फाइंड हो रही हैं अब आप इसको जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर किया था ना वाई जिगल्ड एम एक्स प्लस बी अब उसके अकॉर्डिंग रख के देखो जरा उसके अंदर हमारे पास जो एक्स था वो क्या था हमारा इनपुट और वाई क्या थी हमारी आउटपुट और एम क्या था हमारा जो था जो इनपुट के साथ होता है तो यहाँ पे इनपुट के साथ क्या है बताओ ज़रा यहाँ पे इनपुट के साथ क्या है हाँ मैं अभी वो माउस के साथ लिख रहा हूँ इस वजह से राइटिंग गंदी है सो आई ट्राई कि पेन मिल जाए राइटिंग वाला बताओ ज़रा इनपुट के साथ यहाँ पे वहाँ पे इनपुट के साथ हमारे पास क्या था इनपुट क्या थी हमारी एक्स और इनपुट के साथ हमारा क्या था एम एम मीन्स के स्लोप ठीक है यहाँ पे इनपुट के साथ क्या है लिखो देख रहे हो तो इतना समझ आएगी होगी हम्म हर एक बीटा के साथ इनपुट है सो so, इनपुट के साथ हमारा यहाँ पे है बीटा सो so, बीटा वन हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो इनपुट के साथ आ रहा है एंड सेम फॉर सेकंड डेटा पॉइंट बी टू सेकेंड डेटा पॉइंट नहीं सेकंड कॉलम बी टू ठीक है अब ये हमारे पास बेसिकली एम है सो so आप इसको एम वन कर दो या जो जो भी करना कर दो खैर लेकिन इसके अंदर अब जो हमारा बी नॉट है सो बी नॉट इज़ बिहेविंग लाइक बी जो हमारे पास वहाँ पे एम एक्स प्लस बी था तो यहाँ पे ये बी नॉट है तो बी नॉट इज़ बी ओके सो आजान हो रही है तो हम स्टार्ट करते हैं सो so, जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है आपका फाहद ये आपका पार्ट एक एग्रेशन एनालिसिस के अंदर ही आ रहा होता है सो so ये पूरा रिग्रेशन चल रहा होता है आपका ओके uh, okay. अच्छा अब आप बुक पे जाओगे ना जब आप बुक पे जाओगे जो मैंने शेयर भी की है वहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी पेज नंबर सेवन के ऊपर uh, एक ग्राफ नज़र आएगा आपको और ये जो मैंने अभी फार्मूला लिखा है ये आपको पेज नंबर सिक्स पर फार्मूला मिल जाएगा सो डोंट वरी वहाँ पर हर चीज़ लिखी हुई है वो ग्राफ आप देखोगे ना वो ग्राफ इयर में एक काम करता हूँ इधर भी शेयर कर देता हूँ लेट्स से मैं इधर भी एक शेयर करता हूँ सो so आपको इधर भी नज़र आएगा वो साथ साथ इंटायर स्क्रीन कर देते हैं हाँ ओके सो ही मैथमेटिकल थोड़ा सा बताते हैं उसके बाद हम कोर्ट पर जाएंगे सो so ये देखो सो so फार्मूला आपको ये नज़र आ रहा है सो इट्स द फार्मूला ये वाला ठीक है और इसके अंदर फिटेड वैल्यू क्या उन्होंने पूरा वो बताया हुआ है कि वाई आई जो है ये बेसिकली वाई आई वो करंट आइट्रेशन की बात कर रहे हैं बट हमने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है सो so, उस चीज़ को आप इसके अकॉर्डिंग ये भी लेके चल सकते हो बट जो हमने बात की ए, रिग्रेशन लाइन आपकी ये बन रही होती है सो so, ऐसे रिग्रेशन लाइन बन रही होती है ठीक है लेकिन जब हम आ गए इसके ऊपर तो ये ओ के मेथड के थ्रू हो रहा था ठीक है डेट इज ऑर्डनरी ली स्क्र एस्टिट्स मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्र ऑफ रेजीडल्स कि इसने बेसिकली जो आपकी वैल्यू होती है ना उसको कम से कम करना होता है ताकि जो आपका एरर आ रहा है वो कम से कम हो तो एरर आपका क्या होता है एरर आपका होता है ये वाला ये जो डिस्टेंस है ना ये डॉटेड लाइंस ये डॉटेड लाइंस डिस्टेंस हैं हमारी बेस्ट फिटेड लाइन तो ये चल रही है तो ये जितना डिस्टेंस आ रहा है ये हमारा एरर है हमने इसको मिनिमाइज करना होता है ठीक है तो इस इस चीज़ को बेसिकली हम इस, इसके थ्रू ले चल रहे होते हैं खैर हम हमारा फोकस था ये वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट हमारे जो मल्टीपल डायमेंशनस में जा रहा होता है तो इस तरह हम उसको एक हाइपर प्लेन बना के डिफाइन कर रहे होते हैं और जो हमने अभी चीज़ की वो चीज़ में अभी आपको इधर से ये हम पूरा पार्ट जो है ना ये है इसकी एक्चुअल मैथमेटिकल नोटेशन ठीक है मैट्रिक्स इसमें हम मैट्रिक्स के थ्रू कम कर रहे होते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी इधर करके दिखा देता हूँ सो so, इधर जो मैं आपको चीज़ करके दिखा रहा हूँ ओके okay. सो so, हम जो भी चीज़ करने लगे हैं हमने लास्ट में इसका फार्मूला लिखा वाइजिकल टू बॉट बेटा नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू सो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चल गई कि जो बी वन है बी वन मतलब कि एक आउटपुट इनपुट कॉलम बी टू मतलब दूसरा इनपुट कॉलम तो अगर इधर तीसरा आउटपुट हो तीसरा इनपुट कॉलम हो अभी इधर एजुकेशन और सैलरी या और इंडस्ट्री लेट्स इधर एजुकेशन भी होती है और इधर एक सिटी भी होती तीन दो कॉलम है तो उनके लिए ये इक्वेशन कैसे बनती बताएगा ज़रा उनके लिए ये इक्वेशन कैसे बनती अगर यहाँ पे एक कॉलम और होता अभी तक तो, तो हमारे पास दो कॉलम थे तो बी वन एक्स बी वन बी टू एक्स आ गया अगर थर्ड कॉलम होता तो उनके लिए इक्वेशन कैसे बनती लिखो ज़रा थर्ड कॉलम होता देन फोर्थ कॉलम होता फिफ्थ होता दस कॉलम होते जितने भी कॉलम होते नहीं एक्जैक्टली बी थ्री एक्स थ्री फोर होता है बी फोर एक्स फोर सो अगर ये चीज़ हमारी इस तरह चल रही है तो हमें तो नहीं पता कितने इनपुट कॉलम हो सकते हैं सो so, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं लेट्स से के वाई इज इक्वल टू यार वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट ठीक है प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू और लेट से आगे बी थ्री एक्स थ्री भी है लेकिन हम इसको भी जल्द नहीं लिखते डॉट 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 बी एन एक्स एन ठीक है सो so, हम बी एन और एक्स तक चले क्योंकि हमें तो अब लास्ट में नहीं पता को कितने कॉलम्स हैं तो ये हमारे पास चीज़ हो गई ओके सो so, इस चीज़ को बेसिकली हम ये भी बोल रहे हैं कि हाइपर प्लेन इन एन डिमेंशन कोऑर्डिनेट सो so, अब हमें एन डिमेंशन हमारे पास आ गया ये एन डिमेंशन एक चीज़ याद रखना कि जितनी भी वन एव आइटम्स बढ़ रही हैं ना जितने कॉलम्स बढ़ रहे हैं उतनी डायमेंशनस बढ़ रही हैं ठीक है जो आपके पास पी सी ए कॉलम होता है ना एक आपने शायद पी सी ए का सुना हो एल अनसुपरवाइज का एलग्रिदम होता है वो डायमेंशन रिडक्शन का एलग्रिदम होता है तो डायमेंशन मीन्स आपके कॉलम्स उतने बढ़ रहे होते हैं मॉडल्स के अंदर जितने ज़्यादा कॉलम्स होंगे उतनी ज़्यादा डायमेंशनस होंगी तो आपके पास ये एन डायमेंशन का आ गया तो बेसिकली इस चीज़ पूरे को बोल रहे होते हैं एंड हाइपर प्लेन इन एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सो so, अब अगर हम इस पूरी चीज़ को इस तरह करें सो लेट्स से ये हमारे पास फार्मूला आ गया इसका सो so, अब हमारे पास फार्मूला है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का बीटा नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू और बी थ्री एक्स थ्री टू बी एन एक्स एन ठीक है जितने भी कॉलम्स होंगे हम उस उत वहाँ तक वैल्यूज लगा देंगे चार कॉलम है तो चार तक पाँच तो पाँच तक छः तो छः तक लास्ट में हमारे पास वैल्यू वाई में आ रही होगी ओके बी बीटा नॉट हमें पता है हमारा बी है जो हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है और बी वन एन बी एन बी टू ये सब हमारे पास स्लोप्स हैं और ये जो बी एक्स वन टू एक्स थ्री है या एक्स एन है ये हमें बता रही होती हैं कि कितनी वेटेज होगी कि बी एन की अगर टेन वेटेज है न, 10 ना बी एन की वैल्यू टेन आई है तो इट मीनस के टेन वेटेज है एक्स एन की आउटपुट के ऊपर कि आउटपुट एक्स एन टेन परसेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपकी आउटपुट के ऊपर ठीक है सो so, इसका मतलब ये होता है सो so, ये इस तरह इस चीज़ को लेके चल रहा होता है ओके okay. अब हम उससे पहले आ, आपको एक चीज़ में बता देता हूँ तो जैसे लेट्स सी थ्री डी डेटा है तो उसके अंदर आपके पास अभी टू कॉलम्स हैं और टू इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है अब हम एक चीज़ पे चलते हैं आपको मैं कोड कर इसको दिखाता हूँ ज़रा एक आ, ये कोड देखें आप सो so, इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं आ, अच्छा आप अपना सेकंड लिन के अंदर अपने डेटा सेट्स आप बना भी सकते हो छोटे छोटे डेटा सेट्स आप बना लेते हो सैंपल डेटा सेट्स तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है साइकिल लेंथ और डॉट हेयर सेट्स इम्पोर्ट मेक रिग्रेशन अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने लगा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा होता है तो उसके बाद मैंने प्लॉटली किया और साइकिल लेंथ मेट्रिक्स इम्पोर्ट मीन एब्सोल्यूट एर मीन स्केड एर और ये सार मेरी चीज पास चीज़ बस आ गई ठीक है और अगर मैं इसको चलो अभी रन कर लेता हूँ यहाँ पे सो ओके सो ये रन हो गया इसके अंदर मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर मीस केड एर आर टू स्कोर ये तीनों चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्रिएशन एक डेटा सेट बनाया अपना जिसके अंदर सैम्पल वैल्यूज़ कितनी हैं सौ वैल्यूज़ हैं एन फीचर्स मतलब के आपके पास उसके फी कलम्स कितने होंगे एन के टू होंगे एंड नॉन इन्फॉर्मेटिव आपके इनपुट कॉलम दो होंगे एन टारगेट्स आउटपुट कॉलम एक होगा सो एंड टारगेट्स की वैल्यू वो है नॉइज आपके पास फिफ्ट में वो चीज़ चली गई ओके okay. अब डेटा फ्रेम हमने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया अपने को और उसकी शेप बनाओगे तो शेप देखना मेरे पास ही आ जाएगी तीन कॉलम्स हैं दो आउट इनपुट हैं एक आउटपुट है और हंड्रेड उसकी वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे एंड सैम्पल कर दिया था एंड डी एफ हेड किया तो ये मेरे पास देखो डी एफ हैड आ गया ज़ीरो टू नाइन सिक्स नाइन और ये टारगेट उसके इक्वल आ गया कि इन दोनों बेसिस पे मेरे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं खैर अब मैं प्लॉटली के जब इस पर ग्राफ प्लॉट करूँगा ना तो ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो एक चीज़ यहाँ पर आप देखना सो ये देखो थ्री डी में मैं दिखा रहा है सो ये थ्री डी में बन रहा होता है आपके पास ठीक है आपके पास ये चीज़ ऐसे चल रही होती है सो so, एक चीज़ ये देखो आप जरा ये आपको काइंड ऑफ लीनियर नहीं लग रहा इवन कि ये थ्री में आपको एक काइंड ऑफ लीनियर लग रहा है ये सर नो किधर क्या ये yeah, आप इसको देखो ये काइंड ऑफ लीनियर लग रहा है नहीं लग रहा आपको सो so, किसी हद तक तो ये लीनियर है मतलब कंप्लीटली लीनियर नहीं है बट अगर हम ये देखो आ, आ, इसको ऐसे एक लाइन बने ठीक है सो so, अगर ये लाइन बने तो ये काइंड ऑफ लीनियर होगा ठीक है सो so, बेसिकली अब आपको नज़र आ गया आपने खुद देख लिया कि हमारा बेशक टू डायमेंशनल डेटा सेट था थ्री डी थ्री डी थ्री डायमेंशनस में था लेकिन हमें वो डेटा लीनियर वाइज ही मिल रहा है काइंड ऑफ लीनियर ही है नॉन लीनियर डेटा नहीं है तो लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखेंगे या हम ऐसे देखेंगे तो हमें ये कहीं से भी लीनियर नहीं लग रहा होगा ठीक है सो so, बेसिकली हमें स्प्लिट किया हुआ है तो ये चीज़ है खैर उसके बाद हम इस पर वही मॉडल ट्रेन करते हैं सो so, मॉडल ट्रेन करना हमने लास्ट में देखा हुआ है सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ ट्रे टेंट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के थ्रू और यहाँ पे मेरे यह मॉडल ट्रेन हो गया और यहाँ पे मेरे पास ये उसके एम एस सी आ गया और ये चीज़ आ गई अब ये देखो एम ही हमारे पास कितना आ रहा है फोर टू फोर ठीक है फोर्टी फोर पॉइंट फाइव एट एम ए आ रहा है और एम एस सी हमारे पास कितना आ रहा है टू हंड्रेड एट थाउजेंड एट Uh, क्या है ये अट्ठाईस सौ छियासी जो भी है टू हंड्रेड टू थाउजेंड एट हंड्रेड एटी सिक्स ही हमारा एम एस आ रहा है लेकिन ये एम एस है ना दिस मीन्स कि हमें इसको uh, इसके एक्चुअल यूनिट में चेंज करने के लिए इसका स्केयर रूट लेना पड़ेगा तो स्केयर रूट लो जरा कितना uh, किसका लेना है हमने स्केयर रूट अट्ठाईस सौ छियासी का सो so, स्केयर रूट सो so क्या स्केयर रूट आएगा इसका फिफ्टी थ्री आ रहा है अराउंड फिफ्टी थ्री हाँ सो एम एम एस सी की जो हमारे पास वैल्यू आ रही होती है इन सेम यूनिट वो फिफ्टी थ्री आ रही होगी और एम ए मेरे पास फोर्टी फोर आ रहा है विच इज़ नॉट ग्रेट डिफरेंस ठीक है बट आर टू स्कोर अगर आप देखोगे ना तो आर टू स्कोर आपके पास आ रहा है जीरो पॉइंट एटी फोर तो एट्टी फोर मीन्स का ये क्लोज टू वन है विच इज़ एक्सीलेंट स्कोर आई वुड से आर टू स्कोर हमारा आ रहा है तो ये चीज़ हमने देखनी होती है ओके okay? सो so, uh, इसको अब फर्दर ऑन अगर हमने ज़्यादा देखना तो हम इसको एडजस्टेड आर टू स्कोर में भी लेके जा सकते हैं जो हमने कल चीज़ें की हुई थी खैर आपके पास ये नीचे भी, भी डायग्राम है आपको ये मल्टीपल दूसरी तरीके से दिखा रही है फीचर के अकॉर्डिंग कौन सा फीचर क्या है उसका टेको टारगेट कितना है हर एक कॉलम जाओगे ना डेटा पॉइंट के ऊपर आपको उसका फीचर वन क्या है फीचर टू क्या है और टारगेट क्या है आपको ये चीज़ बता रहा है जो आपने शायद डीप लर्निंग के अंदर भी वेट्स पड़े होंगे तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग होता है खैर अब यहाँ पे एल आर डॉट कोफ़िशियंट कोफिशियंट हमारा क्या होता है सो so, कॉफिशंट हमारा होता है हमेशा जो हम एम की बात करते हैं एम मतलब इस इस केस में बीटा वन बीटा टू बीटा एन ये और सिंपल इक्रेशन के केस में एम तो वो चीज़ उसकी वैल्यूज़ क्या है अब ये देखो यहाँ पे दो कॉलम्स हैं ना तो कोफिशेंट हमें दो आ रहे हैं फर्स्ट कॉलम का बी बीटा वन का आ रहा है और बीटा टू का आ रहा है ठीक है तीन होंगे तो तीन वैल्यूज़ आएंगी तो हमारे पास देखो नाइन्टी एट और नाइन्टी ना परसेंट ये कॉलम्स पे डिपेंड कर रहा है आपकी आउटपुट और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ रहा है जो हमारा बीटा नॉट है बीटा नॉट की वैल्यू ये आ रही है सो दिस इज़ योर बीटा नॉट ठीक है बीटा नॉट मीन्स कि आपका जो एंगल बन रहा होता है उधर वो चीज़ जो बन रही होती है तो ये इस तरह आप देखें तो ये आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ऐसे बिहेव करता है आपको ये उसका प्रैक्टिकल एक काइंड ऑफ ओवरव्यू मिल गया अब हम इसको फर्दर होना खुद भी आगे आ, जो है ना मैंने कोड किया हुआ है सो मैं आपको वो पूरा भी रन करके दिखाऊंगा थोड़ा सा हम कोड बीच में खुद भी करेंगे बट टाइम नहीं होगा इसलिए पहले कोड कर लेते हैं खैर अब हमने कोड देख लिया कोड देखने के बाद अब हम चलते हैं बुक पे बुक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिख... बुक पे हाँ चलते हैं बुक पे ये जो चीज़ हुई है ना हमने इसको समझना है और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो ये वाली आएगी y इज़ इक्वल टू एक्स वीटा और फर्दर अभी के लिए जो है ना आप इसके आगे जो ये लिखा हुआ है ना आ, ये लास्ट में जो सिंबल बना हुआ है सो इसको अभी तक आप थोड़ा सा इग्नोर करो इसको हम बाद में देखेंगे अभी आपका फोकस होना चाहिए कि जो आपके पास वाई इजिकल टू एक्स बीटा बन रहा है आ, ओके ठीक है वाई इज इक्वल टू एक्स बीटा बन रहा है सो so, अगर हम अभी मैं आपको बताऊं, तो हमने जो ये चीज़ की थी इधर इधर क्या बना हुआ है वन सो इस वन को अभी आप ज़रा साइड पे करते हैं हम इस, इसको देखते हैं सो so, ये जो चीज़ बन रही थी सो so, वाई की अगर मैं बात करूं, तो वाई पे यही नहीं हो रहा आपके पास वाई वन आ रहा है y2 टू आ रहा है और x x तो हमारे पास इनपुट है ना x तो हमें चलता रहेगा x तो हमारे पास इनपुट आ रही है ना तो उसको तो अब हम इग्नोर करते हैं जो y आ रहा है हमारे पास इन शॉर्टर ओवरव्यू वो हमारे पास यही आ रहा है कि जितनी वैल्यूज़ होंगी y की आउटपुट होंगी लेट्स वहाँ यहाँ पर हमारे पास 100 का कॉलम था ना 100 डेटा सेट थे 100 की वैल्यूज़ नहीं देखो तो y ये आ रहा था हमारे पास तो y1, y2, y3, y4, y5 तो ये कॉलम बन जाएगा सो यही चीज़ उसने ये किया और उसको इसने कॉलम के अंदर ऐड कर दिया ओके okay? उसके बाद जो हमारे पास बीटा आ रहा है सो जो बीटा हमारे पास आ रहा है बीटा हमारे पास क्या आ रहा है जो भी एक्स के साथ वैल्यूज़ थी तो बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर बीटा फी तो उसने हमने एम हम एन यूज़ करे थे इसने पी यूज़ किया तो सेम चीज़ है लास्ट में लेके जाने के लिए तो हमारे पास इसको इसने जनरल बीटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो इक्वल टू बीटा कर दिया ओके सो अब हमारे पास वाई भी है और बेटा भी है अब हम बातें हैं हैंस के ऊपर एक्स क्या है सो so, एक्स हमारे पास था इनपुट वेरिएबल इनपुट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो उसने वही चीज़ की है इनपुट वेरिएबल के अंदर जैसे इधर हम बात करें तो इनपुट वेरिएबल ये थे तो उसने क्या किया एक्स वन वन एक्स वन टू एक्स टू वन एक्स टू टू एक्स थ्री वन एक्स थ्री टू एक्स फोर वन एक्स फोर टू एक्स फाइव वन एक्स फाइव टू ऐसा ही होता है ना मैट्रिक्स में पढ़ा होगा आपने सर yes नो no. ये चीज समझ आई है जो मैंने अभी की है या सर नो जो चीज़ मैंने अभी की है, ये चीज समझ आई है मैट्रिक्स के अंदर कैसे हो गया हाँ ओके सो जो मैट्रिक्स हो रहे होते हैं सो so इसने वो चीज़ की है सेम चीज़ अगर हम बुक पे देखें तो उसने वही चीज नहीं की एक्स वन वन आगे फर्दर ऑन चलता गया और पी वन पे इसने कर दिया चलो जब तक जितने अगर ऑब्वियसली इसने तो उस केस में किया ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो अगर हम नंबरों देखें तो टू वन हो जाएगा टू टू हो जाएगा तो सेम चीज़ वो ये करता गया तो उस चीज़ को उसने इक्वल टू कर दिया एक्स के तो लास्ट में हमारे पास जो फिर रिग्रेशन का मॉडल आता है बेसिकली वो हमारे पास किसके इक्वल आता है वाई इज़ इक्वल टू एक्स बीटा सो ये हमारे पास उसकी पूरी वैल्यू बनती है ठीक है ये चीज़ समझ आ गई इसका ऑब्वियसली इसके अंदर इसका और भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है मैथमेटिकल ज़्यादा अंदर ड्राइव जाके हम करते हैं लेकिन वो मैं अभी नहीं कर रहा इसके अंदर क्योंकि हमने थोड़ा सा एरर देखने होते हैं तो अभी के लिए हम इस लेवल पे रहते हुए भी इसके जो है ना डेरीवेशन करेंगे तो आप बेसिकली इसको इस तरह आगे ले चल रहे होते हो तो हमारे पास लास्ट में एक ये डेरीवेशन आ रही होती है बाकी आपको इसके अंदर कैसे ये चीज़ कैसे ड्राइव हो रही है वो आपको ये देखो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा तो अजम्पन्स क्या होती हैं वो सारा कुछ आपको मिल जाएगी तो खैर वो चीज़ें आप आगे देख लोगे रिग्रेशन कॉफिशियंट इंटरप्रेट करना जो अभी हम बीटा नॉट की बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि ये एक कॉफिशेंट होता गया चल रहा होता है तो वो कैसे निकल रहा है हर चीज़ उसकी वैल्यू क्या होती हैं चीज़ें आपको इधर से मिल जाएंगी जैसे आपने मल्टीप्लाई करना होता है सो so, अगर आप हम इस फार्मूले को देखें तो इसके अंदर अगर हमें बीटा नॉट की वैल्यू पता चल जाए एक्स वैन की वैल्यू तो हमें पता है एक्स टू की वैल्यू भी पता है एक्स एन की वैल्यू भी पता होगी बट अगर हमें बीटा नॉट की वैल्यू पता चल जाए और बीटा वन और बीटा टू और बी जो जनरल बीटा जनरल कैपिटल बीटा है उसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम प्रडिक्शन अपने से भी कर सकते हैं ठीक है तो उसकी वैल्यू को अब हम कोड करके देखते हैं कि वो हमें वैल्यूज़ कैसे मिलती होती हैं सो so, अब हम उस कोड पर आ जाते हैं ओके सो यहाँ पर मैंने क्या किया मैंने एक डेटा सेट इम्पोर्ट करवाया साइकिल लन के अंदर से, से जैसे हम देखते थे ना कि सी बॉन्ड के अंदर Uh, आपको बने बनाए डेटा सेट्स मिल जाते हैं ऐसे ही साइकिल हैंड के अंदर भी आपको डेटा सेट्स मिल जाते हैं तो डायबिटीज़ का डेटा सेट है वो मैंने इंपोर्ट करवाया और जब मैंने वो इंपोर्ट करवाया डेटा सेट तो उसके अंदर एक चीज़ है इस डेटा सेट के अंदर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये सारे नुमैरिक है इसके अंदर आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं वो नुमेरिक कॉलम्स हैं और अभी मैं उसको इम्पोर्ट करवा लिया और इसके अंदर मैंने एक्स और वाई कर दिया सो अब एक्स के अंदर जब मैं वैल्यूज़ देखूँगा तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं ओके एक्स मीन्स जितने भी इनपुट वे लिए कॉलम्स हैं तो एक्स की शेप मैं देखता हूँ एक्स की शेप क्या है फोर फोर्टी टू रोज़ हैं टेन कॉलम्स हैं फोर फोर्टी टू रोज एंड टेन कॉलम्स टेन इनपुट कॉलम्स टेन प्रेडिकेटर्स टेन इंडिपेंडेंट कॉलम्स कोई भी आप नाम दे दो बट टेन इनपुट कॉलम्स हैं पिछले जो हमने एग्जाम्पल की थी उसके अंदर तीन इनपुट कॉलम्स थे पिछली जो हमने एग्जाम्पल की थी उसके अंदर तीन इनपुट कॉलम्स थे जो हम भी इधर सी जी पी ए आई क्यू ये चीज़ें हम कर रहे थे इधर भी हमने की थी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वगैरह इसमें तीन इनपुट कॉलम्स थे तीन डायमेंशन बन रही थी लेकिन इसके अंदर आपके पास टेन इनपुट कॉलम्स हैं तो टेन डायमेंशन बन रही होंगी अभी कैसे बन रही होंगी ये भी नहीं हमें पता खैर तो लेकिन इंटरनली आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिकली हम इसको ड्राइव में जा सॉल्व कर सकते हैं अच्छा अब मैं इसका वाई देखता हूँ वाई क्या है वाई मीन्स के इसकी आउटपुट क्या आ रही है सो फिफ्टी वन मतलब के इस फर्स्ट वैल्यू के ऊपर ये का वैल्यू है उसकी आउटपुट ये है वन फिफ्टी वन सेकेंड वैल्यू ये है तो उसकी वैल्यू आई आउटपुट आ रही है सेवेंटी फाइव थर्ड वैल्यू ये है तो उसकी वैल्यू आ रही है वन फोटी वन तो ये ऐसे आ रहा है बेसिकली ठीक है तो ये फोर्टी फोर हंड्रेड फोर्टी फोर अगर इसके मैं देखूँ ना इस पर मैं लेट से लेंथ फंक्शन अप्लाई करके देखता हूँ तो Uh, हाँ ये देखो सो so, मैंने क्या बात की थी कि एक्स की रोज़ कितनी है चार सौ बतालीस और वाई क्या है हमारी आउटपुट कॉलम आउटपुट कॉलम एक ही होता है उसमें एक ही वैल्यू होगी ना वाई के अंदर आउटपुट के अंदर तो वो वैल्यूज़ भी कितनी होने चाहिए थी फोर फोर्टी टू सो ये लो फोर फोर्टी टू सैंस प्रूफ के हमारे पास ये चीज़ आ गई ओके सो वाई की शेप देखनी हो अच्छा वो नीचे भी किया हुआ तो वो चीज़ यहाँ से भी आपको पता चल जाएगी कि वाई की शेप ये है और इसमें कोई नहीं है तो मतलब कॉलम हमारे पास एक ही है डामेंशन में चल रहा है खैर अब हम करते हैं यूजिंग सेकेंड हैंड ली रिग्रेशन तो हमने वही चीज़ की जो हम पहले सिंपल री रिग्रेशन से करते आ रहे हैं अपने डेटा सेट को हमने किया और उसकी शेप हमने देख ली कि एक्स ट्रेन की शेप क्या है आ, अच्छा अब यहाँ पे मैंने किया क्या कि मैंने ट्वेंटी परसेंट डेटा एक्स टेस्ट में स्प्लिट कर दिया और टेन एट्टी परसेंट एक्स ट्रेन में डाल दिया तो बेसिकली ये हुआ देखो ट्वेंटी परसेंट डेटा चला गया आ, चार सौ अकतालीस में से ट्वेंटी परसेंट डेटा चला गया एक्स टेस्ट को तो वो तकरीबन एटी नाइन वैली रोज़ उतर चली गई तो अब मैं इसमें लीनेग्रेशन अप्लाई करता हूँ सो लीनाग्रेशन जब मैंने अप्लाई किया तो जब मेरा ट्रेन डेटा फिट कर रहा हूँ तो मेरा डेटा ट्रेन हो गया अब मैं प्रोडिक्शन करने लगा लगाऊँ एक्स टेस्ट के ऊपर और यहाँ से मैं उसका आर टू स्कोर मैंने देखा और आर टू स्कोर देखता हूँ मेरा क्या आ रहा है सो आर टू स्कोर मेरा आ रहा है फोटी थ्री विच इज़ बैड एक्चुअली आर टू स्कोर आपका ख़राब आ रहा है हमारा यहाँ पे ठीक है अब हम इसका कोफिशेंट देखते हैं कोफिशेंट मीन्स बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर जो हम वो वैल्यूज़ देख रहे थे ना सो अब देखो लास्ट वाले कोड के अंदर जो हमने लास्ट में मैंने कहा था कि हमारे पास दो कॉलम्स हैं तो कितनी वैल्यूज़ आई थी हमारे पास बीटा की कॉफिशेंट की दो वैल्यूज़ आई थी यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी कॉलम्स थे इंडिपेंडेंट टेन कॉलम्स थे तो वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए टेन आनी चाहिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस टेन वैल्यूज़ आई हैं तो आपको समझ आ गई आपका फार्मूला जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है वो एक्चुअल ऐसे काम कर रहा है और इंटरसेप्ट की हमेशा एक ही वैल्यू आती है बीटा नॉट क्योंकि एक ही होता है उसका एंगल बन रहा होता है तो हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू हमारे पास इधर ये आ जाएगी ठीक है बाकी हमने ये भी पिछले कोड में किया हुआ था अपनी क्लास लीनियर रिग्रेशन की ये तो लीनियर रिग्रेशन हमने इनका पर देखा ना आप खुद से भी फंक्शन लिख सकते हो लीनियर रिग्रेशन की क्लास बना सकते हो तो ये ऐसा जरूरत नहीं है हमें ये लास्ट वाले में किया था तो इसके अंदर ये चीज़ हो गई आपकी अगर हम इसको भी रन कर लेते हैं सो so, सेम चीज़ जो मैंने लास्ट वाले में की थी वो मैं इधर कर लेता हूँ लास्ट में मैंने किया था कि लीनर ग्रेशन मैंने सर्किल डेंस से इम्पोर्ट की थी यहाँ पे मैं अपना लीनर ग्रेशन जो हमने बनाया हुआ है उसके ऊपर हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो सेम चीज़ हुई वन फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री और इसके अंदर इंसर्ट में क्या किया मैंने कि शेप को ऐड कर दिया खैर प्रडिक्शन की दोबारा आर टू स्कोर देखा तो आर टू स्कोर तकरीबन फिर उतना ही आ रहा है और कॉफिशंट uh, हम देखेंगे तो कॉफिशेंट हमारे पास ही आ जाएंगे और इंटरसेप्ट देखेंगे तो इंटरसेप्ट हमारे पास ही आ जाएंगे अच्छा अब ये चीज़ देखो कि जो लीनियर रिग्रेशन उन्होंने यूज़ किया और जो मैंने किया उनकी दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं ऑलमोस्ट वो क्यों सेम आ रही हैं क्योंकि हमने जो वेरिएबल ऐड किया है ना हमने जो वैल्यू ऐड किया है फार्मूला ऐड किया जो बेसिकली वो ये है फार्मूला दिस इज़ योर फार्मूला बीटा का सो so, ये आपका बीटा का फार्मूला है ये आप देखा ना बीटा का इधर से ये ये देखो सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट बीटाज़ के अंदर आपके पास फर्स्ट पे क्या होता है फर्स्ट पे आपके पास बीटा नॉट होता है तो वो वैल्यू देखो मैंने जीरो इंडेक्स पे कह दिया कि जो भी वैल्यू है उसको इंटरसेप्ट में डाल दो तो वो इंटरसेप्ट में चला गया तो वो इंटरसेप्ट मेरा इधर से एग्जीक्यूट हो गया तो बीटा नॉट आपका सबसे पहले होता है ना उसके बाद मैंने क्या किया कि वन इंडेक्स से ले लेके आगे तक जहाँ पे भी बटाज आ रहे हैं बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री वहाँ उन सब को देखो मैंने स्लाइसिंग की है तो उसको कॉफिशेंट में ऐड कर दो कॉफिशेंट कर दिया सो so बेसिकली आपके जो कॉफिशेंट बीटा ये सब कुछ यहाँ पे ट्रेन हो रहा है और प्रडिक्शन तो आपकी बेसिकली आपकी यहाँ पे हो जाती है वो प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन एक बनाया हमने उनका तो फिट फंक्शन पूरा ये बिहेव कर रहा है सो दिस इज़ हाउ यू डू योर ट्रेनिंग एंड कैलकुलेटिंग बीटाज और ये सारी चीज़ें तो इस तरह आप अपना मल्टीपल लिनर यूज़ कर रहे होते हो इन uh, कोट कोड भी अब इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि अगर आप ये फंक्शन हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी बनाया था अगर इसको और उसको कंपेयर करो ना तो सिर्फ उसमें मेरा ख्याल है कि बीटास वाला थोड़ा सा पार्ट डिफरेंट होगा बाकी सेम है तो ये चीज़ होती है अब इसके बाद हमारे पास एक रह गया पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो कि हम कल करेंगे इंशाल्लाह तो इसके बाद आपको रिग्रेशन के काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ ओ ओएलएस ऑर्डिनरी ली स्क्वेयेर तो जब ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे फिर तक तो डिसेंट के अंदर आपको चीज़ें समझ आएंगी एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जिग्रेशियन पार्ट हमने जितना भी किया है ना हमने इसको बहुत अभी है फिर भी हमने मैथ पढ़ी है इसके अंदर लेकिन हमने बहुत ओवरव्यू में रहते हुए इसको किया है इसके अंदर डेप्थ में इतनी मैथ्स है कि आप वो करते रहोगे करते रहोगे तो आप उलझते जाओगे तो ये आप बुक्स पढ़ो जो मैंने थोड़े नोट्स शेयर करता हूँ वो चीज़ें देखो तो टाइम टू टाइम आपको खुद समझ आती जाएगी तो आपको इतना ज़्यादा मैथ हैवी नहीं होना अभी रिलैक्स रहो जो समझ आ रही है बस कोर्ट्स को देखो फार्मूलाज देखो बेसिक फार्मूलाज के ये फार्मूला है इस फार्मूला को ये बना कैसे है आपको ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है जानना पड़ अच्छा होता है आप जानोगे तो अच्छा है लेकिन ये फार्मूला बना कैसे है ये वाला सारा फार्मूला जिसको अभी जानोगे नहीं भी जानोगे चलेगा लेकिन इस फार्मूले का आपको पता होना चाहिए ठीक है सो यू कैन क्रिएट योर ओन क्लासेस अगर ये फार्मूला मुझे पता था इसी वजह से तो मैं ये क्रिएट कर पाया हूँ ना ये वाली लाइन ये क्रिएट कर पाया हूँ क्या आपको पता होना चाहिए कि आपने वो फार्मूला पाइथन में कन्वर्ट कैसे करना है तो सिंपल ये चीज़ है आप इस तरह चलो बाकी फार्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है वो आप टाइम टू टाइम चीज़ें कर लोगे खैर एनी क्वेश्चन टिल नाउ अभी तक इसमें चीज़ें क्लियर हैं ओके सो टाइम कम्पलेक्सटी भी हो गया ओके okay. हम बुक की आप देख लेना इधर से इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी ये सारा ग्रेडियन डिसेंट के हिसाब से आपको बता रहे होंगे इसमें आपके पास लेस और रीच की भी एक कॉन्सेप्ट होता है अभी हम उस थोड़ा सा बाद में करेंगे तो वो भी आप कर सकते हो बुक के अंदर उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है हमने उस कॉन्सेप्ट को अभी नहीं किया राइट right. सो so